नमस्कार मु लक्ष्मी नारायण। देश में कोरोना मामला बढ़ुची एभली परिस्थिति में मास्क सबुठ बड़ अस्त्र आम आपको बारंबार अनुरोध करुच्छ मास्क पिंधतु। न्यूज एटीन आरंभ कर एक नुआ अभियान मास्क पहनो इंडिया। आपड़ शपथ करूँ जेपर्यंत महामारी अच्छी मुहर मास्क काढ़े ना आसतु आमर ओडार खबर अभियान को आगक बढ़ेगा। कलाहांडी महालिंग सनसाइन पब्लिक स्कूल शिक्षयित्री ममिता मेहर हत्या को राज्य में हईचई सृष्टि होती। घटना को नहीं बीजेपी पक्ष आज बलांगीर जिला बंद डाकरा दि जाए। बीजेपी पक्षर 12 घंटिया बलांगीर जिला बंद डाकरा दि जाए। महालिंग मिस्ट्री घटना को नहीं बीजेपी पक्षर बंद डाकरा दि जाए। मंत्री दिव्यशंकर मिश्रों इस्तफा सहित सीबीआई तदंत दावी में बंद डाकरा। जिले में गाड़ी चलाचल बंद रही बेले दुकान बजार बंद रही। बीजेपी कर्मकर्ता विभिन्न स्थल में पिकेटिंग आरंभ कर सारे। ममिता मिस्ट्री उपर पर्दा हटाई गोटेपटे पुलिस प्रयास जारी रखी। अंपटे बलांगीर में बंद पालन करलांगीर बंद डाकरा दि जाए। मंत्री के इस्तफा सहित सीबीआई तदंत दावी कर जिला बीजेपी पक्षर यह बंद डाकरा दि जाए। बलांगीर में ममिता मेहर हत्याकांड मामलें आज 12 घंटिया बंद डाकरा दि जाए। बीजेपी पक्ष मुख्य दावी रोचे मंत्री बहिष्कार एवं सीबीआई तदंत दावी करुच्छी जिला बीजेपी। मंत्री इस्तफा सहित सीबीआई तदंत दावी रे बंद डाकरा देउची बलांगीर जिला बीजेपी। गतकाल कलाहांडी 12 घंटिया बंद डाकरा दि जाइए। सका 6 रु संध्या 6 पर्यंत बंद डाकरा दि जाइए। बंद पालन होता विभिन्न स्थल पिकेटिंग आज बलांगीर जिले में बीजेपी पक्षर बंद डाकरा दि जाए। ममिता मिस्ट्री प्रकृत रहस्य कौन रही क्यों संपृक्त अच्छा कहार प्रच्छद हाथ रही किए प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव में संश्लिष्ट अच्छा से सब घटनार पर्दाफाश करने बीजेपी अड़ बसी सीबीआई तदंत दावी करुच्छी। या सहित मंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र इस्तफा दावी करुच्छी बलांगीर जिला बीजेपी। आईपाई आज बलांगीर जिले में 12 घंटिया बंद डाकरा दि जाए। कलाहांडी महालिंग सनसाइन पब्लिक स्कूल शिक्षयित्री ममिता मेहर हत्या को नहीं राज्य में हईचई सृष्टि हो। राजनीतिक बयानबाजी आरंभ हो सारी तेरे यह बीजेपी आज बलांगीर जिला बंद डाकरा दे घटना को नहीं बीजेपी पक्ष आज बलांगीर जिले में बंद डाकरा दि जाए। गतकाली कलाहांडी जिले में कलाहांडी जिला बीजेपी कर्मकर्ता पिकेटिंग करते बंद करते रास्ता अवरोध करते आज बलांगीर जिले में सामान स्थित देखा मिलूँ एवं बलांगीर जिला को बंद कर जिला बीजेपी कर्मकर्ता चंद्रभानु मोड़ आम सह जोड़ी हो चंद्रभानु यहाँ तो राजनीतिक बयानबाजी आरंभ हो किंतु बलांगीर जिला बीजेपी कौन मुख्य दावी रही कारण गत काली राज्य बीजेपी महिला मोर्चार एक प्रतिनिधि दल उत्तरांचल डीआईजी को एवं एसपी को देखा कर घटनार ग्राउंड जीरो कौन रही स्थिति से संपर्क पचारि बुझुच्च गोटे कथा से ये हो पुलिस हेफाजत रु जिते अभियुक्त फेरार हो निश्चित भाव में स्थानीय पुलिस किसी दुर्बलता रही जाइए एवं ये घटना को केवल 2-3 कनस्टेबल नुहति अधिक अधिकारी संपुक्त थे अभोग कर तेणु ये स्थानीय पुलिस तदंत नक या सीबीआई द्वारा तदंत करने दावी कर दावी आज से 12 घंटिया बंद डाकरा देखुं आपत देखिपे सकाल दृश्य जो जिलापाल कार्यालय आगे धीरे धीरे कर्मकर्ता मैंने जमा हवा आरंभ है दुकान बजार बंद रही बस गाड़ी मटर चलाचल करु धीरे धीरे पिकेटिंग करने आरंभ कले जिते दिन बढ़ बैंक बीमा कोर्ट कचेरी अफिस् बंद प्रभाव देखा मिल किंतु वर्तमान जदि स्थिति कह दुकान बजार बंद रही गाड़ी मोटर चलाचल बंद रही बीजेपी कर्मकर्ता मैंने विभिन्न स्थान गाड़ी मोटर को अटक पिकेटिंग कर देखा मिलू। निश्चित भाव चंद्रभानु जो भाव में यही ममिता मिस्ट्री को लेकिन वर्तमान समस्ते बयानबाजी करुं गत काली कलाहांडी जिले में बंद डाकरा दि जाइए। आज बलांगीर जिले में बंद डाकरा दे जिला बीजेपी। धन्यवाद अधिक सूचना।
कलाहांडी महालिंग महाविद्यालय रे कागजपत्र जांच प्रक्रिया आरंभ होई गोलामुंडा तहसीलदार एवं बीडीओं द्वारा आरंभ होई जांच प्रक्रिया कॉलेज अध्यक्ष उपस्थित रे जांच प्रक्रिया आरंभ होई कॉलेज को केउठु केते टंका आसी कॉलेज रा परमिशन एवं अन्यान्य समस्त कागजपत्र तनखी करुछे प्रशासन। महालिंग सनसाइन पब्लिक स्कूल अध्यापिका ममिता मर्डर मामलें आज निज आड़ हस्तक्षेप नहीं जातीय महिला कमिशन एने ओडिशा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक चिठी लिखिले एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा निरपेक्ष तदंत अभियुक्त मंत्री को बहिष्कार करने को कहले ओडिशा डीजीपी अभय को मध्य निर्देश देले जातीय महिला कमिशन तुरंत समस्त अभियुक्त को गिरफ्त करने को डीजीपी को निर्देश देले ममिता परिवार को आवश्यक सुरक्षा देवाक कहले एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष निर्दिष्ट समय रे तदंत सारी एक्शन टेकन रिपोर्ट देवा को निर्देश देले जातीय महिला कमिशन अध्यक्ष। सेपटे घटना को नहीं जातीय महिला कमिशन एनसीडब्ल्यू रो हस्तक्षेप को कड़ा समालोचना करिछि बीजेडी बीजेडी मुखपत्र सुलता देव ट्वीट करी कहिछंती कि ममता हत्या को नहीं एनसीडब्ल्यू रो पदक्षेप हास्यास्पद एवं एकपक्षिया तदंत सरिबा पूर्वरु पदक्षेप नेबा को कहिछंती एनसीडब्ल्यू। उत्तर प्रदेश मध्यप्रदेश बिहार एवं आसाम भली राज्य में अनेक मंत्री महिला को निर्यातना एवं हिंसा रे शामिल अछंती से क्षेत्र में एनसीडब्ल्यू काहीं चुप बसी सेतेबेले केते मंत्री बहिष्कार एनसीडब्ल्यू कहिछंती बोली प्रश्न करिछंती सुलता। बार दिन पर ममिता मेहर रहस्यु हटिछि परदा सनसाइन स्कूल सभापति गोविंद साहू ममिता को हत्या करिथिबा स्पष्ट करिछंती उत्तरांचल डीआईजी दीपक कुमार परकिया प्रीति को नहीं गोविंद को ममिता ब्लाकमेल करटर सफा करदे गोविंद षड्र रचि कार भितर ममिता को हत्या करने महालिंग स्टाडियम मृतदेह को पोड़ी आउ पोति देता गोविंद स्टेडियम रे पड़ा डेड बॉडी गातरे पोतिला मृतदेह परकिया प्रीति प्रकट आशंकर नेला प्राण कलाहांडी महालिंग सनसाइन स्कूल अध्यापिका ममिता मेहर मर्डर मिस्ट्री होई एही चांचल्यकर खुलासा सामना को आसी स्कूल सभापति गोविंद साहूर हत्याकारी चेहरा उत्तरांचल डीआईजी कहिछंती ममिता को योजनाबद्ध भाव हत्या करिछि गोविंद गोविंद साहू प्री प्लांड मैनर रे विक्टिम को कार भितरे मारी छंती 8 तारीख को ही इटसेल्फ जेते बड़े से भवानी पटना से के गांव फेरुथिले विक्टिम को मारिला परे एक्यूज तांको बॉडी को गाड़ी रे ही ले गेले और सेठी महालिंग स्टेडियम रे अंधेरा हला परे डिस्पोज करी छंती गुटे पिटरे नेक्स्ट डे से डिस्पोज करी के डिस्पोज करेला टाइम रे से ताको कार्डबोर्ड लगाई के और ऊपर टायर लगाई के से बॉडी को जलाई छंती। हत्या पछरे थिला परक्रिया प्रीति प्रकट हेबार आशंका गोविंदर परक्रिया प्रीति संपर्क रे जानिथिले ममता याकु नै गोविंद को ब्लैकमेल करुथिले ममता जेउथि पाई ममिता को बाटरु सफा करि देबाकु षड्यंत्र रचिला गोविंद गत 8 तारीख रे कार भितर ममिता को हत्या करबा पर प्रमाण नष्ट पाई महालिंग स्टेडियम रे मृतदेह को पोड़ी पोति देखिला ममिता को तंटी चिपी हत्या करा जाइछि ना आउ के उपाय रे मारिछि गोविंद सेनी अधिक तदंत चलिथिबा कहिछन्ति डीआईजी। एक क्राइम का मोटिव
जो एबे पर्यंत इन्वेस्टिगेशन रे एसर्टेन हेची कि विक्टिम एक्यूज्ड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर गुटे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जानी जाइथिले किसी आर्गुमेंट रे से तांको एक्सपोज करबा पई थ्रेटन करथिले जहार कारण रे एक्यूज्ड का तांको उपरे ग्रज थिला। ए मामला को अति गुरुतर सह ग्रहण करथिले उभय बलांगीर ओ कलाहांडी जिल्लार पुलिस। गोविंद फेरार हवा परे ताकु धरिबा पई प्राय 60 किलोमीटर जाय सीसीटीवी जांच करा जाइथिला। साखी वैषयिक दिग एवं संदेह आधार रे मामलार छानबीन हवा परे गोविंद को काबू करा जाइथिला। डीआईजी कहिसंती खूब शीघ्र ही मामला रे चार्जशीट दाखल करा जिवो आउ एहार विचार फास्ट ट्रैक कोर्ट रे करा जिवो। जितनी इनफॉरमेशन थिला डिफरेंट बाट रे सीसीटीवी कोटी कोटी कैमरा लागी छि से हिसाब रे सीसीटीवी फुटेजेस कलेक्ट करी थिले। इमीडिएटली हमें 9टा टीम गठन करी के एंड डिफरेंट एरिया रे रेड करी छि डिफरेंट एरिया रे इंटेलिजेंस कलेक्ट करी छि। हमारे टीम 2टा कंप्लीट डेज पर्यंत फील्ड रे थिला अताकु हमें बलमुंडा पाखरे मैच करी छि। गता 8 तारीख रु निखोज हो जाइथिले ममिता। 11 तारीख रे कलाहांडी के गां थाना पुलिस रखिनथिला परिवार रे तला। गत 13 तारीख रे ममितांक निखोज हेबानि सिंधिकला थाना रे विधिवद्ध एतला देथिले परिवार आउ गोविंद साहू नारे आनीथिले संगीन अभियोग। तापरे पुलिस आरंभ करथिला छानबीन आउ सेही दिन गोविंद को मोहालिंग रु आनि टिटलागढ़ पुलिस बाराक रे अटक रखा जाइथिला। किंतु 17 तारीख संध्या रे बाराक रु चंपट मारिथिला गोविंद जहाँ सारा राज्य रे खेली जाइथिला आलोडन। गोविंद को मोस्ट वांटेड घोषणा करि धराइदेले लक्ष टंका दिया जाउ बोली सूचना देथिला पुलिस। मंगलवार गोविंद को तार भूणी घर बंगमुंडा मुंडीपदर गिरफ्त करथिला बलांगीर पुलिस। गोविंद को 5 दिनिया रिमांड रे नेबा पई पुलिस को अनुमति देइछंती बंगमुंडा जेएमएफसी कोर्ट। ब्रांड रोनसुमान पात्र एवं बलांगीर रु चंद्रभानु मोरणा न्यूज 18 ओडिया। आजिठू आरंभ हेबो जुक्त 2 प्रथम वर्ष क्लास रूम पाठपढ़ा। 1.5 वर्ष रु अधिक समय पर शिक्षानुष्ठान को आसिबे छात्र छात्री एथिपाई जुक्त 2 प्रथम वर्ष ऑफलाइन क्लास पाई चलेछि प्रस्तुति। गणशिक्षा विभाग चिट्ठी पर सेकेंडरी स्कूल पक्षर जोर धरिछि प्रस्तुति। प्रथम दिन में केमिति करिबे इंडक्शन क्लास एने अध्यक्ष स्तर में प्रस्तुति चलेछि। सीएचएससी सिलेबस एवं नुआ परीक्षा ढांचा उपरे विशेष गुरुत्व दिया जाउछि। एबुठु ए वर्षठू वर्षक हेब 4 परीक्षा। आज आरंभ क्लासरूम को फेरबे पिला। आज एकादश श्रेणी हेब ऑफलाइन पाठपढ़ा। कोविड गाइडलाइन अनुजाई हेब शिक्षादान। डीओ डीपीसी और बीओ करेंगे तदारख। अधिक सूचना आम सह जोड़ी होती फोनलाइन सीनियर करेस्पोंडेंट निरुपमा बेहरा। निरुपमा 1.5 वर्ष पर पुणी क्लासरूम को फेरबे पिला। एकादश श्रेणीर पिला माने आज ऑफलाइन रे पाठ पढ़ा चलिबो कौन अपडेट खबर रही केते प्रस्तुति करा दैछि कथा कहले 1.5 वर्ष पर पिला माने स्कूल को फेरबे एवं जदि हम देखिबा दशम श्रेणी रे मात्र 80 दिन रो क्लास करा जाइछला किंतु सेते बेले मध्ये समस्तंकु बाध्यतामूलक करा जाइनथा तो अधिकांश छात्र छात्री मध्ये स्कूल जाइ नथिले सेते बेले रो परिस्थिति देखि किंतु वर्तमान मूलरू ही युक्त 2 प्रथम वर्ष अर्थात एकादश श्रेणी छात्र छात्री मैंने ऑफलाइन रे पाठ पढ़ा आरंभ करेंगे। एथिपाई समस्त प्रस्तुति कॉलेज तरफ शेष हो सारी। आज जेहेतु प्रथम दिन रही गवर्नमेंट रो नोटिस रही गाइडलाइन रही दिन 10टा रु आरंभ हो। आज प्रथम दिन में इंडक्शन क्लास समस्त कॉलेज रे समस्त हायर सेकेंडरी स्कूल जहाँ रही आम प्रथम कॉलेज थी वर्तमान हायर सेकेंडरी स्कूल हो हायर सेकेंडरी स्कूल गुड़िक छात्र छात्री इंडक्शन क्लास बाध्यतामूलक गणशिक्षा विभाग पक्षर चिठी आधार कर आज समस्त हायर सेकेंडरी स्कूल रे छात्र छात्री इंडक्शन क्लास रही छात्र छात्री अभिभावक माने रही हायर सेकेंडरी स्कूल विषय में पाठ पढ़ा संपर्क में सीएचएससी सिलेबस परीक्षा एवं जो स्कूल रो चालीचलनी व्यवहार अच्छी से विषय जन अवगत करसीएससी जो सीबीएसई पैटर्न सिलेबस रही चलित वर्ष रु क्वार्टर एंड परीक्षा जो हम से नहीं अवगत कराइबे किभली भाव में छात्र छात्री मैंने कोविड कटकणा भितर ऑफलाइन क्लास करेंगे कोविड जो कटकणा रही किभली मानिबे कौन कौन सब चालीचलन रही विषय में अवगत कराइबे। आज प्रथम दिन में आज केवल इंडक्शन क्लास रही अभिभावक मैंने आसवे स्कूल परिसर देखिए से कौन
मतामत थाए ताहा मध्ये से माने अध्यक्ष मानको देबे और अध्यक्ष माने सीधा सडक छात्र छात्रि सहित ए विषय रे कथा हेबे। ऑफलाइन क्लास केते जरूरी काहे कि कारण 3 मास विलंब रे चली जंती वर्तमान आमे कोरोना पई 3 मास विलंब होई छि शिक्षा वर्ष आरंभ होबा निश्चित भाबरे यार भितरे किभली सिलेबस आरंभ हेबो सिलेबस शेष हेबो सठिक समय रे पाठ पढा हेबो एवं परीक्षा हेबो ताहा होची चलित वर्षर बड़ फोकस एवं निश्चित भाबरे पैंडेमिक सिचुएशन रे ऑफलाइन क्लास करबा राज्य सरकार को पई जेतिकी चैलेंज छात्र छात्री ओ अभिभावक को माई मध्य सेतिकी कष्टदायक तनु निश्चित भाबरे छात्र छात्री को मनरे मध्य एक प्रकार उत्साह रहिची कारण देढ़ वर्ष माने स्कूल जाई नथिबा बेले युक्त दुई बा एकादश रे प्रथम रु ही क्लास करबा निश्चित भाबरे तांको उत्साह आनिदि। बिल्कुल निरुपमा जहां आपण कहुतले जे देढ़ वर्ष परे पिला माने जेतेबेले पुणे क्लासरूम को फेरुंती सरकार जो गाइडलाइन रही से गाइडलाइन भितर ही पाठपढ़ा हेबो एवं कोविड गाइडलाइन को मानिबे स्कूल कर्तृपक्ष धन्यवाद अधिक सूचना पाई। वरिष्ठ सांबादिक नवीन दास पुओ मनीष दास हत्याकांड घटनार असली क्षय एपर्यंत पुलिस पाउना गिरफ हो रिमांड थिबा तीन हत्याकारी माराथन जेरा चली मुहांमुही जेरा पर भी हत्याकारी मुह खोलूना जेरा बेले बयान रे भी तालमेल रहुनी आज अभियुक्त रिमांड शेष होगा बेले कमिश्नरेट पुलिस चिंता बढ़ी जा बाट पाउनी कमिश्नरेट पुलिस मिलुनी मनीष हत्याकांडर क्षय मुह खोलुना हत्याकारी सांग बारंबार अभियुक्त बदलुची बयान मनीष हत्याकांडर रहस्य खोलिबापाई रिमांड रे थिबा तीन अभियुक्त को माराथन जेरा चली जेरु बाहरुनी कौन निष्कर्ष घटनास्थल को जापना हत्याकारी रिमांड अवधि सरवाकूबा बेले एवं टेनसन पुलिस तदंतकारी टीम कहवा कथा कि अभियुक्त माने कहीं मनीष को हत्या कले पारना घटना समय रे समस्ते निशारे चूर थे तेणु किभली हत्या कले से विषय भी ठीक भावे पारना तेणु क्राइम सीन रिक्रिएशन करने को अमंग होछि कमिश्नरेट पुलिस डायरेक्टली एपर्त आगर मनीष सहित चिन्ह परिचय होवार प्रमाण एपर्त मिल पारे ना होटेल को जाते से होटेल भितर बिल पेमेंट को लेकिन पाटितुंड यार भितर अधिक प्रमाण पर फुलवाणी जा तथ्य जोगाड़ करुच्ची कमिश्नरेट पुलिस हत्या करने पर दिनेश और मृत्युंजय फुलवाणी पलाई तेणु सेठारे कहा पाखरे थिले कौन करुथिले केऊ मानंक जोगाजोग रे थिले ताहा जानिबा पई फुलबाणी रे एक टीम डेरा पकाइछि सेपटे पूर्वतन पुलिस अधिकारी कहिछंती अभियुक्त माने किछि न कहिले भी घटनास्थल ओ होटेल रो मिलथिबा तथ्य ओ प्रमाण को भित्ति करी तदंत करबा उचित सेहिपरि कोर्ट रे वरिष्ठ प्रमाण न देले अभियुक्त खसी जिबे एक कथा को पूर्णि थरे दोहराइछंती आइनजीवी माने जाइथिले सांग होकर नहींक्र गले कार नहींक्र गले टे नुह तीन टा जगह को जा बार को जाती दिज आर द एविडेन्स एज एगेन्स्ट देम मैंने कोर्डिनेट कर पार नए पुलिस दायित्व है उपयुक्त भाव में कोर्डिनेट करवा ये जो सरकमटेन्स एविडेन्स जहाँ अच्छी तासंगे मिसेक कले निश्चित भाव में एस्केप कर चान्स बहुत कम दीर्घ समय जाए बाहर कौन थे एवं तांकर इच्छा कौन थी एवं कौन सी टंका जो मागिले टंका मागियार बोध टंका तांकर आसिला किंतु काहेकि सेमाने हत्या कले ए कथा गुड़िक पुलिस निश्चय पचारिबो एवं तास परवर्ती खबर को आसिबा ढेंकनाल रे बिना आडंबर रे चलेछि मां गजलक्ष्मी को पूजा कोविड कटकणा भितरे चलेछि मां धनलक्ष्मी को आराधना आज मां लक्ष्मी को प्रिय बार गुरुवार होइतबारो स्वतंत्र विधि सहित दही पखाला लागी करा जीवो पूजा मंडपरे मंगल आरती सूर्य पूजा सह वेद पाठ करा दे मां को निकट रे दही पखाला लागी हेबो। अधिक सूचना पाई आम सह जोड़ी होती ढेंकानाल रु आशीष रंजन शतपथी आशीष कोरोना कटकणा भितर मंत्र पाठ रे प्रकंपित होउछि ढेंकानाल शहर एवं
पूजा मंडप मध्ये चलचंचल रही वर्तमान आज कौन नीतिकांति रही निश्चित भाव में देखु लक्ष्मी नारायण जितेबाला गजलक्ष्मी पूजा अवसर में जितेबाला गुरुवार आसे निश्चित भाव में सहर जितोटी रही पूजा प्रतिष्ठान रही सबुठी स्वतंत्र भाव नीतिकांति माँ कर रही था दही पखाड़ स्वतंत्र आम बर्तमान जो अच्छू गणेश बजार पूजा मंडप अच्छू ये सका सका चलचंचल रही परेश जेहेतु माँ को आज प्रिय बार रही तेणुकर देखिपुर थे बर्तमान जो माँ को आवाहन कर सका जो पूजा कराए सूर्य पूजा से सूर्यमंडल पका जाउछि निश्चित भाव में कोरोना कटकणा भितर माँ को पाखे दही पखाड़ लगी हे निश्चित किंतु जो समूह जो रही सब पूजा प्रतिष्ठान पक्षर जितेबाला दही पखाड़ करवस्था भक्त मानी से सबू कि बंद रही आम प्रतिक्रिया ना नना अच्छा आम सहित नना आज गुरुवार जेहेतु रही तो माँ को स्वतंत्र नीतिकांति कौन रही सका सका आरंभ होते सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते आज पूजार तृतीय दिवस आज प्रथम सूर्य पूजा हम आज अष्ट सिद्धि अष्ट निधि सौभाग्य लक्ष्मी गणेश बाजार रे आज अनुष्ठित हेब तापर आज षोडश उपचार महालक्ष्मी अनुष्ठित हेब तेणु वर्तमान सूर्य पूजा सरला पर अन्यान देवादेवी आवाहन एवं पूजा हेब पूजा हालापर अष्ट सिद्धि अष्टनिशि पूजन हेब तापर प्रतिदिन पर जिंदी माँ को षोडश उपचार हुए से आज कार्यक्रम बर्तमान प्रातः समय अच्छे दही पखाड़ ये हूँ गोटे पारंपरिक रीति जेहेतु माँ को आज हूँ गुरुवार विशेष बार ये बजार आगर ये कोरोना जोबले नाला से दही पखाड़ समस्त होता किंतु जेहेतु आज नीति तर अच्छी तेणु दही पखाड़ से आज भोग अन्न प्रसाद लगी निहा निहाती भाव में बजार जड़े अच्छा वरिष्ठ कर्मकर्ता आज्ञा जितेबाला कोरोना महामारी पूर्व आम देखी सामग्रिक व्यवस्था कराई था भोजन दही पखाड़ कि दुर्ष होगा से सब बंद हो जाए आज कौन रही देखो ढेंकानाल गोटे अग्रणी पूजा प्रतिष्ठान हिसाब से गणेश बजार को धर जाए तेणु माँ को जो गजलक्ष्मी पूजा ये गुरुवार दिन माँ को गोटे प्रसाद हुए जो दही पखाड़ जोटा कि आम सार्वजनिक समस्त टाउनवासी आरंभ कर समस्ते अपेक्षा कर किंतु जेहेतु कोरोना कटकणा बर्तमान रही तृतीय लहर डर रही से सबको बर्तमान आम पूर्ण मात्रा रे ये रखी बंद कर तेणु जदि आगामी वर्ष बेलू कोरोना जाए पुणी से दही पखाड़ परंपरा सब भक्त मानक हम कितु आज जो हूँ केवल मंडपर माँ का परंपरा रही कारण माँ को जितेक सब नीतिकांति कौन आम ये करूँ तेणु कोरोना कटका भितर तर पूजा आराधना चली निहत भाव में कौटी ना कौटी भक्त मैंने रही भक्त मानी प्रत्येक वर्ष जितेबाला गुरुवार आसे माँ को बार माँ को पूजा मंडप दही पखाड़ लगी कराए भक्त मानी आम देखी शह शह संख्यार प्रत्येक पूजा प्रतिष्ठान व्यवस्था कर भक्त मैंने आसती और दही पखाड़ जो रही से जो व्यवस्था निजे सामिल होता है कितु महामारी कोरोना दुई वर्ष हम से सब बंद हो जाए सत कि माँ का पाखे जो दही पखाड़ व्यवस्था रही गुरुवार रही निश्चित भाव में आज प्रति आशीष रंजन जहाँ आप सूचना दौंती जहाँ प्रतिक्रिया नौले आपणकर ढेंकानाल जिले में जो भाव में धूमधाम पालन हो गजलक्ष्मी पूजा जेहेतु आज गुरुवार रही गुरुवार रही आज टिके माँ पाखे स्पेशल दही पखाड़ लगी जदि कोरोना कटक रही भितर भक्त को दर्शन सुविधा मिल पार ना भल भाव कि रीतिनीति अनुसार माँ को पूजार्चना करने सब पूजा मंडप कर्मकर्ता मैंने आगभर होती धन्यवाद अधिक सूचना आशीष रंजन नेटवर्क 18 सुनिश्चित करने को चाहे जे प्रत्येक भारतीय को कोविड टीका मिलू टीकाकरण संपर्क में सचेतनता सृष्टि करने नेटवर्क 18 एवं फेडरल बैंक प्रयास संजीवनी ए स्टार्टअप लाइव को समर्थन करतु स्वास्थ्य विशेषज्ञ अपोलो 24x7